गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनीता गोरेट। आज आप मेरा ये ड्रेस एंड साड़ी एंड लगनी देख के तो पता लग गया रहेगा आज मैंने कौन सा लुक किया है। यस, आज मैंने गुड़ी पड़वा का लुक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सगैंड गुड़ी पड़वा चा हार्दिक शुभेच्छा। देन उसके बाद मैंने आज मेकअप्स के बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स दिए। बट वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने लुक्स कैसे किया है। और उसके आप मुझे कमेंट्स में बताइए ये लुक आपको महाराष्ट्र लुक कैसा लगा। इसलिए पहले आप वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद को ट्राई भी कीजिए। पुनः एक ना तुम्हारा गुड़ी पड़वा चा हार्दिक शुभेच्छा गाइस। हेलो गाइस, आज हम कुछ महाराष्ट्र लुक्स ट्राई करेंगे जो अभी न्यू फेस्टिवल आने वाला है गुड़ी पड़वा। आज हम उसी के बारे में कुछ मेकअप्स करेंगे, बारे में बातें भी करेंगे कि मेकअप्स कैसे किया जाता है फेस्टिवल लुक्स के लिए। जो महाराष्ट्र ट्रेडिशनल सभी जो लुक्स आने वाला है गुड़ी पड़वा उसी के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुड़ी पड़वा लुक्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज मॉइस्चराइजर लगाऊंगी जो लॉरियर का रिवाइटल ऑफ क्रिस्टल जो जेल क्रीम है। जेल क्रीम मीन्स क्यों लगा रही, क्योंकि अभी ये जब ये स्किन हमारी काफी ड्राई हो रही है ये धूप के कारण, तो उसी को हमें प्रॉपरली हमारी स्किन को प्रिपेयर करना है, हमारी स्किन को हाइड्रेशन रखना है। तो वो आज मैं अप्लाई करूंगी। वो कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे ट्राई करना है। यस, सी उसी तरीके से हमें हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर लगाना है जो प्रॉपरली हमारे स्किन को हाइड्रेशन लगेगा, और हम जो भी माओ फाउंडेशन या कुछ अप्लाई करते वो डीपली नहीं जाएगा। डीपली जाने से कैसे हमारी स्किन में काफ़ी पिंपल्स एंड जो एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हमें ये बचाएगा। तो इसीलिए पहले हमारे स्किन को हाइड्रेशन लगा रही, मॉइस्चराइजर लगा रही, देन उसके बाद मैं ट्राई करूँगी प्राइमर। प्राइमर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे प्राइमर का बेसिकली काम क्या होता है, प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, मेकअप को स्मूथ रखता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने का काम करेगा। जो मैं प्राइमर यूज करूंगी लैक्मे का। इसी तरीके से हमें प्राइमर अप्लाई करना है। देन मैंने फाउंडेशन ले लिया है Maybelline का सुपरस्टे फाउंडेशन जो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, 24 आवर्स स्टे करेगा, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा और पूरे दिन तक ये होल्ड करेगा, मेकअप को स्टे करेगा। तो मैंने हैंड्स पे ले लिया है फाउंडेशन एंड ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अप्लाई करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर जब भी अप्लाई करने के लिए आप लेते हो उसको हमेशा वेट करना है, वेट करके ही हमें यूज करना है, तो इजिली वो ब्लेंड होगा, मीन्स पैची इफेक्ट नहीं देगा ये हमारे मेकअप को। देन उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ट्रू मैच कंसीलर। ट्रू मैच कंसीलर मैं अप्लाई करूंगी, हैंड्स पे लेना है या डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। जहां जहां आपको कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं वहीं पे ही सिर्फ हमें अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैं लूंगी फिट मी कॉम्पैक्ट जो 310 नंबर है, सन बेज वो लाइट ले लूंगी। उसके एक्सेस रिमूव करना है, फिर हमें डाप डाप करके यूज करना है इस तरीके से। नेक्स्ट मैं ब्लश अप्लाई करूंगी सेम स्माइली फेस। देन नेक्स्ट मैं आई शेडो। मैंने आपको बताया था आज गुड़ी पड़वा का लुक करना है तो थोड़ा सा नेचुरल लुक ही करूंगी मैं, वन शेडोज ही लगाऊंगी सिंगल। देन नेक्स्ट मैं लाइनर अप्लाई करूंगी कोलोसल लाइनर जो पेन लाइनर है, इसीलिए हम लाइनर विंग्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमें प्रॉपरली आपको कॉर्नर्स निकालना है, कॉर्नर्स पे विंग अप्लाई करना है, आप इजीली कर सकते हो। फिर मैंने लाइनर एंड काजल अप्लाई कर दिया। देन अभी मैं नेक्स्ट अप्लाई करूंगी वॉल्यूम मस्कारा जो लॉरियर का है। उससे हमें कैसे नॉर्मल मस्कारा होते हैं एक्सेस रिमूव करने पड़ते हैं, बट ये लाश ये मस्कारा के लाशेस जो अप्लाई करोगे इजिली वॉल्यूम देगा, कर्ल्स देगा एंड लेंथनिंग देगा। देन उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर।
हाइलाइटर हमें टारगेटेड एरिया पे ही लगाने, जैसे नोजा ब्रिज, चिन पे हल्का सा मैं फॉरहेड पे भी अप्लाई करती हूँ। देन उसके बाद मैं लिपस्टिक्स लगाऊंगी जो मेबरीन की है सुपर स्टे लिपस्टिक, जो 24 आवर्स स्टे करेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये लिपस्टिक्स में कैसे आपको है ना लिप लाइनर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर जो इसका एप्लीकेटर है प्रॉपरली हमारे लिप्स को शेप देगा। यस, तो मेरा ये मेकअप कंप्लीट हो चुका है। फिर अभी मैं महाराष्ट्र जो लोग डालते हैं नथनीज, मैं वो भी अप्लाई करूंगी, जो बिंदी एंड प्रॉपर ज्वेलरी, क्योंकि ये मैंने गुड़ी पड़वा लुक किया है तो प्रॉपर महाराष्ट्र पद्धति से ही होना चाहिए, तो मैं वैसे ही ज्वेलरी से वो अप्लाई करूंगी।